अरे पीछे से आ गया, पीछे से आ गया। बढ़िया मार ला ले। साला झाकता है। आ गया। अरे गए जाओ। तो गाइस फटाफट कमेंट करके मेरे को बता दो कि यार ये ग्रेनेड कैसा था। मतलब एक ग्रेनेड दोनों की दोनों बंदे गए और भाई दोनों की दोनों बंदे साथ में आ रहे थे। खैर अभी वापस से देखोगे तो समझ में आएगा डिटेल में कि क्या चल रहा था। खैर यहाँ पर हम लोग आए हैं नो में आए हैं 3 से 4 स्क्वाड। चलो यार धनाधन सबको निपटाते हैं। और हाँ गाइस आज आपको देखने को मिलेगा M249 और MK14 का कॉम्बो। तो मेरे को बताना आपका कौन सा सीन सबसे फेवरेट था। ऑल राइट तो यार यहाँ पर ये बंदे निपट जाते हैं। लेकिन गाइस जब मैं कंटेनर के ऊपर था ना तब मेरे को किसी ने थॉमसन का चटका दिया था। अब जिसने मेरे को चटका दिया था चलो यार उसको झटका देकर आते हैं AKM का। ओके तो शायद यहाँ पर 3 ही बंदे थे लेकिन चौथा बंदा भी है। अब कहाँ है थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। बट गाइस देखो आगे आपको M249 और MK का बहुत ही प्यारा सा क्लच देखने को मिलेगा। खैर चौथा बंदा स्पॉट होता है। ओके तो यहाँ पर नितिन का टिफिन बन जाता है वो भी पेटी वाला पेटी बन जाती है। खैर अभी यहाँ पर मेरे को यार पबजी वालों से एक नाराजगी है। ये देखो सामने की तरफ पानी के अंदर हाजमोला। अब यार हाजमोले को पानी के अंदर मिलाकर कौन देता है, जल सीधा बनाया है क्या। खैर कोई बात नहीं यार यहाँ पर आगे जाता हूँ तो हाजमोले का भाई आता है। अब हाजमोले का भाई कैसा रहेगा देखो आप लोग। अब यहाँ पर मेरा पेट भर के किल हो चुका था और ये बंदा नहीं आता था तो मैं सोचता हूँ एक टाइम को कि इसको छोड़ दूं। लेकिन तो गाइस देख रहे हो कैसे मुक्का मार रहा है वो भी जादुई वाला, दिखाई नहीं दे रहा है कि लेकिन पड़ रहा है गोली। खैर यहाँ पर इसको निपटा देता हूँ। भलाई का जमाना नहीं है भाई, भलाई करने जाओगे ना तो 2 मुक्का खाओगे और लाल हो जाओगे जैसे कि मेरा लाल हो चुका है। खैर सामने तरफ बंदा आता, हील मारता हूँ और उसके बाद बंदे को देखो कैसा मारूंगा। तो गाइस देखो आज की टिप ये है कि हमेशा आप मेरे को देखते होगे कि ऐसे में हाइट का फायदा उठाने में कभी नहीं चूकता हूं। तो देखो यार हमेशा हाइट का फायदा उठाया करो और बंदों को कुछ ऐसे। कुछ ऐसे निपटाया करो। खैर अभी यहां पर इसका जो दूसरा वाला पंटर था ना वो यहां से गलती मार लेता और एक भाई साहब हमारे पानी के अंदर थे जो कि क्या पता कहां चले गए थे। आज बंदा तैराक बनेगा। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए वाला गाना सुना है ना, तो वैसे ये बंदा गाना गाएगा नोवो का समुंदर पार करके मैं अपनी जान बचा के आ गई। खैर लड़का या फिर लड़की अपने को नहीं पता तो लड़की वाला भी अपन गाना डाल सकते हैं। खैर अभी यहां पर कोई नहीं था, हम भी गलती मार लेते, बंदे भी गलती मार लेते और ड्रॉप के पास आते हैं। ड्रॉप में मिलती है M249। अब गाइस यार यहां पर M249 मिल जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद ये बंदा खाना पीना खाकर टहलने निकला था और इसका पूरा खाना पूर्ति हो जाता है। खैर अभी यहां पर इस बंदे को निपटाते हैं क्योंकि प्रिंस बोलता है एक और बंदा आया मेरे साइड में जल्दी आ। तो मैं गाड़ी उठाता हूँ, डेविल को बैठाता हूँ और जल्दी जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है।
अरे भाई साहब अद्भुत चमत्कार भाई, ये क्या है? कैसे बच गया ये? पक्का इसने कुछ तो खाया है या फिर पबजी वालों को इसने कुछ घूस खिलाया है भाई, ऐसे कौन बचता है? मैं तो कभी नहीं बचा ऐसे। ओके तो यार यहाँ पर इस फोन निपटाता हूँ। और भाई क्या ही बोलूं यार, कैसे बच जाता है बंदा? मतलब हड्डी होगा, सुकड़ी होगा, लकड़ी होगा। खैर अब यहाँ पर आता हूँ आराम से, और देखो यार अपने को लगी थी टॉयलेट, क्योंकि यार 2 घंटे से लगातार खेल रहा था, लेकिन उतने में ही आवाज आती है। भाई सच बता रहा हूँ यार, पबजी प्लेयर के ना जीवन में बहुत संघर्ष रहता है, मतलब यार सुकून ही नहीं है। खैर अनन्या पांडे से भी ज्यादा अपन ने स्ट्रगल किया है। अब यहाँ पर बग्गी आती है, चलो यार बग्गी वालों को निपटाते हैं। ऑलराइट तो यार यहाँ पर इन बंदों को निपटाता हूँ, और पहाड़ की तरफ से फायरिंग आती है, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि भाई जब तक अपनी खुद की फायरिंग ना निपटा लूं तब तक इन बंदों को नहीं निपटाऊंगा। तो देखो यार फायरिंग अपनी करके आता हूँ, और यहाँ पर अब बंदे जो फायरिंग कर रहे हैं, चलो इनको निपटाते हैं। तो यहाँ पर पहला सांप निपटता है, अभी देखते चलो यार, गिनते चलो कितने सांप मिलते हैं। इधर इधर, अरे नहीं दूसरा बंदा आया था, और ये भी अकेला। खैर प्रिंस को किसी ने वीएसएस से निपटाया, चलो देखते हैं कौन निपटा रहा है। और गाइस यहाँ पर ये बंदा नहीं पड़ता है। वैसे देखो आज अपने को हाजमोले एक ही खाने को मिले, ठीक है, तो इसकी कमी ना ये बंदे पूरे कर रहे थे, ये तीनों के तीनों बता नहीं क्या कर रहे थे, बट भाई मजा आया, निपट गए बंदे। खैर अभी यहाँ पर रहता हूँ, सामने की तरफ ड्रॉप चला है, फ्लेयर चली है, ड्रॉप आया है, और ओके तो यार यहाँ पर ये सस्ते वाले ग्रेनेड के साथ ये दोनों के दोनों बंदे निपट जाते हैं। अब गाइस सामने की तरफ दिखता है ड्रॉप, अब मेरे मन में थोड़ी सी लालच आती है कि भाई चल यार लूट ले थोड़ा सा। ए उधर भी बंदे, मार्क द लोकेशन, आगे कि अचानक से डेविल को भूत दिख जाता है। भूत ने क्या किया था कि स्कैनर डाला था, लाल लाल तो बंदे हैं। अब देखो यार अगर आपको ये सीन पसंद आता है ना, तो आपको क्या करना है पता है? INT अखिल चैनल पर 20,000 लाइक का टारगेट रहता है, वो कम्प्लीट करवाना है बस। ये यहाँ पर यार ये बंदे निपट जाते हैं। वैसे अगर चौथा बंदा थोड़ा सा कमजोर नहीं होता ना, तो भाई बहुत ज्यादा एक खतरनाक वाला क्लच हुआ था। खैर आपको एक क्लच कैसा लगा कमेंट करके मेरे को भाई फटाक से बताना। वैसे अब यहाँ पर आगे जाते रहता हूँ कि एक और बंदा, ये देखो ऑफलाइन है भाई साहब, मतलब सच बता रहा हूँ यार, ये 3-4 बंदे ना भाई पूरे बॉटो की कमी पूरी कर रहे हैं। हाजमोला तो आज आपने को दिखा नहीं, एक दिखा था वो भी पानी के अंदर। खैर अभी सामने की तरफ एक और बंदा था, चलो उसको निपटाते हैं। अरे नहीं कह रहा मैं, ले तेरी तो भाई। ये बंदा भी यार यहाँ पर आकर सो रहा है, ये 4-5 बंदे ना भाई एकदम हाजमोले का कमी पूरी कर रहे थे। खैर यहाँ पर इसको हमेशा के लिए सुला देता हूँ, और
गाइस देखो एक चीज अगर आप लोग भूल रहे हो, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो यानी कि IND अखिल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो भाई फटाफट कर लो और अपन भी बढ़ते हैं फटाफट चिकन डिनर की तरफ। अब यहां पर मैं आपको सीन बताता हूं। चार बंदे बचे हुए थे और डेविल भैया आसमान में थे। आसमान से डेविल पूरा सैटेलाइट का काम कर रहा था, बंदों की लोकेशन भेज रहा था, और यहां पर मैं बग्गी लेकर आगे जा रहा था कि फायरिंग होती है। आखिरी बंदे हैं, AWM है, देखो क्या होता है। अरे नहीं 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 मैं गया। देवल भाई यार आपको पूरा कवर दिया था। अरे नहीं मैं वहां। अब गाइस यार यहाँ पर काफी देर से कुछ हो नहीं रहा था और यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं था। टाइम पास के अलावा कुछ यहाँ पर मिलने वाला नहीं था। खैर अभी यहाँ पर अब सीधा रश करूंगा, देखते हैं क्या होता है। भाई कौन बता नहीं सकते। तो गो एंड फाइंड योर सेल्फ। क्या शॉटगन मारा रे लौंडे। वाह भाई वाह शेर, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, क्या मारा भाई। तो गाइस फाइनली ये था आज का चिकन डिनर। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था, ग्रेनेड वाला या फिर MK14 वाले क्लच वाला या फिर जो भी हो कॉमेडी फन वाला। वैसे अब बढ़ते हैं हम लोग बिहाइंड द सीन की तरफ। Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand myself. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone. I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. I'm alright. Yeah, let's go. I don't wanna break down. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. Be the best, I'll be great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold, yeah. तो गाइस फाइनली यार आज की वीडियो यही थी। आपने जो वीडियो यहां तक देखी उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच।